तो हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वाला फोटो में हम लोग किस तरीके से हेयर एडिटिंग की है। ठीक है, तो आप लोग फेस इसमें तो बहुत सारे लोग कर ही लेते होंगे, ठीक है, लेकिन हेयर एडिटिंग बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताने लोग कि आप लोग कैसे हेयर एडिटिंग कीजिएगा। आप लोग स्केच बुक वाले अप्लीकेशन के अंदर में आ जाते होंगे। ठीक है, आने आने के बाद क्या करते होंगे, ब्रश चलाते होंगे, पेंसिल चलाते होंगे, सारा कुछ चलाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो हेयर है सही से एडिटिंग नहीं हो पाता होगा। ठीक ना, आप लोगों का जो हेयर है उसमें फुल एच डी हाई क्वालिटी का शार्पनेस नहीं आ पाता होगा, जिससे कि जो आप लोगों का हेयर है सही तरीके से एडिट नहीं हो पाता है। ठीक ना, आप लोग अपने हेयर में ब्रश भी चलाते हैं, आप लोग अपने हेयर में टेक्सचर भी लगाते हैं, लेकिन आप लोग का जो हेयर है वो सही से एडिटिंग नहीं हो पाता है। ठीक ना, आप लोग बहुत सारे टेक्सचर लगाते हैं, लेकिन आप लोग का टेक्सचर भी सही तरीके से नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप लोग का जो हेयर है वो भी सही तरीके से नहीं दिखता है। वो भी लगता है कि कुछ वैसे कलम वलम चला दिए, छेच दिए हैं, तो कुछ इस टाइप का लगता होगा। ठीक ना, रफ़ कर दिए उस टाइप का हो जाता होगा, लेकिन आप लोग को सही तरीके से कैसे कीजिएगा बिल्कुल फुल एच डी हाई क्वालिटी में, वही चीज़ आप लोगों को सिखाना होगा आप लोग कैसे कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग ऑटो स्केच बुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसका यूज कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, आज तक आप लोगों को इसका यूज कोई बताया भी नहीं होगा। एक इसलिए है, आप लोगों को क्या बताया जाता है, बस ब्रश उठाओ, अब ब्रश उठा करके ब्रश उठाओ यहाँ से ब्रश उठा करके ऐसे ऐसे करके हेयर एडिटिंग कर लो, ऐसे ऐसे करके हेयर एडिटिंग कर लो, और यहाँ से ये वाला ब्रश उठा करके यहाँ से फेस स्मूथ कर लो, बस आप लोग कुछ इसी तरीके से एडिटिंग सिखाया जाता होगा। लेकिन नहीं, अब बिल्कुल अब हमेशा ये वाला हेयर एडिटिंग बिल्कुल ट्रेंडिंग में चला है, जिस टाइप का मैं करता हूँ बिल्कुल ट्रेंडिंग में, हर कोई अब इसी टाइप का हेयर एडिटिंग करता है। बदलते जमाने के साथ सबके हम नए नए तरीके का एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल नए तरीके से हेयर एडिटिंग कीजिए, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग हेयर एडिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग ऊपर के साइड में स्थैतिक पेंट बनाए, और इसके स्थैतिक पेंट बनाने के बाद इसका हम लोग यहाँ पर ये स्मज रहेगा, तो हम लोग यहाँ से इसको स्टैंडर्ड कर लेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड करने के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड करने के बाद इसका हम लोग सेटिंग बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग का सेटिंग रहेगा। ठीक ना, और सेटिंग कुछ इस तरीके से बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग इधर, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ ऊपर इधर के साइड में, ऊपर के साइड में क्या कि हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग का जो हेयर है लाइटेड में है। ठीक ना, ये जो हम लोग का हेयर है थोड़ा सा लाइटेड है, इधर के साइड में हम लोग वाइट चला लेंगे। ठीक ना, वाइट ब्रश को कुछ इस तरीके से चला लेंगे, जिससे कि जो हम लोग का हेयर, हम लोग का हेयर बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग करना है। ठीक है, बिल्कुल हेयर के हिसाब से, आप लोग का हेयर रियल क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग का हेयर कुछ और होता है, आप लोग ब्रश कुछ और चलाते हैं, और कारण क्या कि आप लोग अच्छे से सीखते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छे से सीखिए, मैं 100% कह रहा हूँ, मैं थोड़ी नहीं सीख आ गया हूँ। ठीक है, मैं भी किया हूँ, प्रयास किया हूँ, सीखा हूँ, तभी तो आप लोग को बता पा रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि आप लोग भी जितना अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आप लोग का ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं है। ठीक ना, आप लोग को बताया भी, अगर कोई बताता भी है तो आप लोग को मेरे बाद ही कोई इस टाइप का बताएगा। आप लोग यहाँ तक ये भी बता दो, जो सेटिंग में बताता हूँ आप लोग को वो सेटिंग कोई बताएगा भी नहीं। ठीक ना, आप लोग बताइए यहाँ सबसे, ये सब कोई सेटिंग बताएगा, ये सब कोई सेटिंग, आप लोग ये चीज़ आप लोग सिर्फ देखते होंगे, लेकिन आप आज आप लोग सीख रहेंगे आप लोग ये सब सेटिंग से होता क्या है। ठीक ना, तो वही चीज़ आप लोग को सारा चीज़ सारा डिटेल बताता हूँ, जो कि आप लोग कोई भी नहीं बताने वाला। आप लोग लोगों को सब्सक्राइब किए रखिए, ताकि आप लोग सर आप लोग खुद देखने का, आप लोग इससे पहले आप लोग को इस तरीके का एडिटिंग बताया जाता था नहीं ना, तो आप लोग बिल्कुल ट्रेंडिंग चीज़ सीखे, नया चीज़ सीखे, पुराना चीज़ कितना चलाइएगा। ठीक ना, बिल्कुल नए तरीके का हेयर एडिटिंग सीखे, क्योंकि देखिए हम लोग का हेयर ही खूबसूरती है। ठीक ना, हम लोग क्योंकि हम लोग लड़के हैं। ठीक ना, तो लड़के हम लोग हैं, तो लड़कों का खूबसूरती भाई हेयर ही है। ठीक ना, तो हम अपने हेयर को जितना अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छे का हम लोग दिखेगा। ठीक ना, तो बात यही है कि हम लोग जितना अच्छे से हेयर बनाएंगे उतना ही अच्छे से हम लोग, अभी आप लोग खुद देखिए, आप लोग आके सामने में पूरा का पूरा रियल तरीके से बनाऊंगा अपने हेयर को, जिससे कि आप लोग को पूरा बिलीव हो जाए। ठीक ना, ये नहीं कि आप लोग आधा अधूरा बता के चला गया। ठीक ना, बिल्कुल आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिए, देखिए कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। ठीक ना, तभी आप लोग कर पाइएगा। देखिए कुछ इस तरीके से कर लेना है, और कर लेने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा और अच्छे से हेयर को हम लोग बना लेते हैं, जिससे कि जो हम लोग का हेयर है बिल्कुल परफेक्ट हेयर के हिसाब से लगे। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा दिखे भी। देखिए अब कुछ इस तरीके से ही कर लेना रहेगा। ठीक ना, अब हम लोग को अपने हेयर में टेक्सचर जो लगाना है। अब अभी आप लोग एक और चीज़ नया बताऊँगा, जिससे कि आप लोग बता रहे हो बिल्कुल खुश हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग कोई भी नहीं बता रहा होगा, भाई साहब वो कह रहा हूँ ना, आप लोग देखिए इस वाले का कभी यूज भी आप लोग नहीं करते होंगे, जो पेस्टल है
ये जो पेस्टल आप लोग को दिख रहा है इसका तो आप लोग कभी यूज भी नहीं कर दोगे, सोचते हैं कि इससे क्या होगा है? क्या आप लोग यहाँ पर कोई बताया भी नहीं होगा इससे भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम देखिए हेयर एडिटिंग करेंगे जो कि आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए सेटिंग कैसे बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप इसको डायरेक्ट चलाएगा तो आपका जो हेयर है उस सही से एडिटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को बिल्कुल फुल एच डी हाई क्वालिटी में एडिटिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे ब्रश वाले सेटिंग पर आ जाएंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से हम लोग को सेटिंग मिल जाएगा। ये देखिए बेसिक का सेटिंग है, इसका एडवांसड का सेटिंग यहाँ पर है, वो आप लोग को नीचे के साइड में आना है। यहाँ पर देखिए सेप, यहाँ पर देखिए आप लोग को सेप मिल जाएगा, तो आप लोग को इसी वाले सेप पर क्लिक करना है, ठीक ना। अभी आप लोग खुद देखिए, ऐसा कोई आप लोग कोई भी नहीं बताएगा, हम मैं कर रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा, ठीक ना। तो आप पूरा चीज़ देखिए कि यहाँ से कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ऑप्शन को, इस वाले सेप को ले लेंगे, ठीक ना। या तो इस वाले सेप को ले लेंगे या तो इस वाले सेप को ले लेंगे, ठीक ना। आप लोग को सारे कुछ बताएंगे, इस वाले सेप को ले लेंगे, तीनों सेप को ले सकते हैं। और इसका सेटिंग कैसे बनाएंगे ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से इस वाले हम लोग सेप को ले लिया है, और लेने के बाद क्या करेंगे इसका जो साइज भी था लाइट प्रेशर है हम लोग इसको पूरा कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी जो फॉलो भी था हैवी प्रेशर है, ठीक है ना, इसको हम लोग हल्का सा बढ़ा लेंगे। जो फॉलो विथ लाइट प्रेशर है इसको भी हम लोग हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और करने के बाद हम लोग को देखिए क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम लोग को रियल पैटर्न देना है हम लोग को हेयर में, ठीक है ना। बिल्कुल रियल पैटर्न देना है, और किस टाइप का पैटर्न देना है वो भी चाहिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए जो मेरा हेयर है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को किस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, लग रहा है कि मेरा हेयर जो है ऐसे घूम कर कैसे मुड़ा हुआ है, जिससे कि जो मेरा हेयर है रियल लग रहा है। तो वही चीज़ आप लोगों को कैसे करना है वो चीज़ देखिए। तो आप लोग जितना सब लोग सही तरीके से चलाइएगा आप उतना ही सही तरीके से आप लोग का हेयर में पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ब्रश अच्छे से चलाना आना चाहिए जिससे कि आप लोग का जो हेयर है बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग हो जाए। तो देखिए कुछ इसी तरीके से हम लोग चला लेंगे अपने हेयर में, जिससे कि हम लोग का जो हेयर है बिल्कुल परफेक्ट रियलिस्टिक तरीके से एडिटिंग दिखे, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल नया चीज़ एडिटिंग करेंगे भाई साहब। अब कोई पुराना तरीका अब कोई थोड़ी अभी भी आदमी नोकिया का मोबाइल थोड़ी चला रहा है, अब स्मार्टफोन चला रहा है, नए तरीके का चला रहा है। तो हम लोग भी अब नए तरीके से एडिटिंग करेंगे, हेयर लिप पोती का काम अब नहीं करेंगे। ब्रश पहले क्या करते थे हम लोग, ब्रश लेते थे और लिप पोत के सब बराबर कर देते थे, ना तो हेयर का पता चलता था ना तो बाल का पता चलता था, सब एक ही मिल जाता था। लेकिन नहीं, अब देखिए हम लोग बिल्कुल नए तरीके से करेंगे, जो कि आप लोग इस तरीके से कोई बताने वाला भी नहीं है, ठीक ना। आप लोग को बताएगा कोई तो मेरे बताने के बाद ही आप लोग को इस टाइप का हेयर एडिटिंग सिखाने वाला मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से ही हम लोग करके अब देखिए मेरे हेयर में देखिए आप लोग पैटर्न देखिए बन गया ना। इसी तरीके से आपको भी रियल पैटर्न बनाना है, ठीक। और यहाँ से हम लोग काम करेंगे, यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर ले लेंगे, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अपने फेस के इस साइड में हम लोग चला लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही चलाना है, ठीक ना। जो जिससे कम लगे कि हाँ हेयर नीचे के साइड में हम लोग का गिरा हुआ है। अब इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा, ठीक ना। देखिए कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक ना। और इसी तरीके से आप लोग पूरा आप लोग को हेयर एडिटिंग कर लेना है, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक लीजिए जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।